मंगलवार को दिल्ली में महाराष्ट्र भाजपा कोर कमेटी की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुए भी शामिल हुए थे। बैठक के बाद वे बुधवार को नागपुर पहुंचे। नागपुर आते ही मीडिया से बात करते हुए बावनकुए ने कहा कि लोकसभा में महाराष्ट्र को 0.3% कम वोट मिले हैं, इसका कारण क्या है? हम ये सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं कि जहां हम कम रह जाए वहां और अधिक करके कम ना रह जाए। हम सभी नेता इस पर काम करेंगे। महाराष्ट्र में मतदाता धन्यवाद यात्रा निकाली जाएगी। जिन्होंने वोट दिया उनका भी धन्यवाद, जिन्होंने वोट नहीं दिया उनका भी धन्यवाद। आगे उन्होंने कहा कि हम अगले 5 साल के लिए योजना तैयार कर रहे हैं। महाराष्ट्रातील लोकसभा निवडणुकीमध्ये जे आम्ही 0.03% 0.30% म्हणजे 0.5% कमी मताने मागे राहिलो, त्याची सर्वसाधारण कारणे काय आहेत त्याचं आम्ही विचारविनिमय आमच्या केंद्रीय नेतृत्वासोबत केला आणि जिथे आम्ही कमी पडलो आहे त्या ठिकाणी अधिकच काम करून जे कमी मत आहे ते पुन्हा एकदा आम्हाला विधानसभा निवडणुकीत कमी पडू नये याकरता आम्ही त्यावर काम करतो आहे। राज्याचे आमचे सर्व नेते आणि आमचे सर्व कार्यकर्ते यावर काम करणार आहे। लवकरच महाराष्ट्रामध्ये मतदारांचे आभार धन्यवाद यात्रा या ठिकाणी संपूर्ण महाराष्ट्रात आम्ही करतो आहे आणि ज्या लोकांनी आम्हाला मत दिले त्यांचेही धन्यवाद, नाही दिले त्यांचेही धन्यवाद व्यक्त करून या ठिकाणी मोदींच्या सरकारकडनं पुढचे 5 वर्ष या महाराष्ट्राच्या जनतेकरता महाराष्ट्राच्या विकासाकरता काय काय करता येईल याच्याही योजना आम्ही तयार करतो आहे। राष्ट्रवादी कांग्रेस शरदचंद्र पवार पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार पर प्रतिक्रिया देते हुए चंद्रशेखर बावनकुए ने कहा कि मोदी ने एक शब्द बोला, अब पिछले कुछ सालों में मोदी की खूब आलोचना करे हैं, ओछी भाषा में मोदी की आलोचना की, व्यक्तिगत टिप्पणियां की। शरद पवार को यह बात समझनी चाहिए कि अगर प्रधानमंत्री मोदी ने एक शब्द बोला तो आपको इतनी जरूरत क्यों पड़ी। मोदी जी ने एक शब्द बोले वर्षापासून मोदी जी काय काय बोलतात जरा ही महाराष्ट्र जनते नोंद घेतली आहे। थोड़े यशाने हुरळून निघाले आहे पण मोदीजींना कुठल्या कुठल्या शब्दामध्ये खालच्या भाषेमध्ये टीका केल्या याची जरा अभ्यास शरद पवार साहेबांनी महाविकास आघाडीचा केला पाहिजे। अत्यंत तुच्छ पद्धतीने गलिच्छ पद्धतीने मोदीजीवर व्यक्तिगत रूपाने टीका टिप्पणी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी केली आहे तेव्हा शरद पवार साहेब त्याचं आकलन केलं पाहिजे। एखादा शब्द मोदीजींनी बोलला तर एवढी लागली आणि महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी मोदीजींना काय काय बोललंय जरा याचं आकलन पवार साहेबांनी केलं पाहिजे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के उप मुख्यमंत्री पद छोड़ने के विचार पर बात करते हुए बावनकुए ने बताया कि हमारा मानना है कि फडणवीस ने सरकार में रहकर संगठन की मदद करने का अनुरोध किया है और उन्होंने इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। हम समझते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व ने भी हमारा अनुरोध स्वीकार कर लिया है। महागठबंधन सरकार लोगों के लिए काम कर सके इसके लिए उनका सरकार में होना जरूरी है। मैं महायुति के सभी नेताओं के बारे में कहूंगा, वे सभी अच्छा काम करना चाहते हैं। छगन भुजबल से पूछना होगा कि उनकी नाराजगी क्या है, उनकी स्थिति के बारे में मेरे लिए कोई राय व्यक्त करना ठीक नहीं है। महाराष्ट्र में मराठा और ओबीसी समाज आंदोलन कर रहा है। मंगलवार को जलगांव में रास्ता रोको आंदोलन भी किया गया। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए चंद्रशेखर बावनकुए ने कहा कि मराठा समाज को आरक्षण देते समय ओबीसी के साथ कोई अन्याय ना हो इसका सभी को ध्यान रखना चाहिए, यह हमारी भूमिका है। मराठा समाजाला आरक्षण देताना ओबीसी वर अन्याय होणार नाही याची काळजी सरकारने घेतली पाहिजे याबद्दलची भूमिका पहिल्यापासून आमची आहे। एकनाथ खडसे जी अजून भाजपमध्ये नाहीत, जेव्हा भाजपमध्ये येतील तेव्हा बघू। समन्वय समिती नेमली का? काँग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले के पैर एक कार्यकर्ता धोते हुए एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुए ने कहा कि महाराष्ट्र में नाना पटोले ने अशोभनीय हरकत की है। कांग्रेस अंग्रेजों का युग लेकर आई है, जमाने की मानसिकता कई स्तरों पर उतर आई है। नाना पटोले ने पोस्ट का अपमान किया है, उन्हें आत्ममंथन करना चाहिए।
इस तरह से बयान देना उचित नहीं है। भविष्य में उनका रवैया ठीक होना चाहिए। इस महीने में धन्यवाद यात्रा की तैयारी है। 21वीं सदी में समाज को क्या संदेश गया है ये इस देश में दिखना चाहिए। चाहे पैर धोना हो या धुलवाना हो, महागठबंधन की सरकार है। बीजेपी नेता है देवेंद्र फडणवीस महाविकास आघाड़ी में 5 मुख्यमंत्री बन गए। 6 लोगों को पता चल गया है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री है। महागठबंधन का मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर आज कोई चर्चा नहीं है। देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के नेता है। आज मुख्यमंत्री पद पर चर्चा की जरूरत नहीं है। हमारा प्रभारी तीनों पार्टी के नेता मिलकर तय करेंगे। पटोले सर का म्हणजे काय म्हणावं, नाना पटोले इतक्या खालच्या लेवलला गेले आहेत की शेतकऱ्याकडनं पाय धुवायला लावतात आहे। या महाराष्ट्रात देशाला अशोभनीय प्रकार नाना पटोलेंनी केला आहे आणि गुलामगिरीची भाषणे, गुलामगिरीमध्ये जसा देश होता इंग्रजाच्या काळात देश होता, पुन्हा इंग्रजाचा काळ काँग्रेसने आणलेला आहे। इंग्रजाच्या काळातली जी काही मानसिकता होती ती नाना पटोलेंनी स्वीकारलेली आहे। नाना पटोलेचा मी निषेध करतो आणि खरं तर नाना पटोले यांनी आपल्या पदाचाही अपमान केला आहे, व्यक्ती म्हणून स्वतःचाही त्यांनी आपला अपमान केला आहे। त्यांनी आत्मपरीक्षण केलं पाहिजे की या पद्धतीची शेतकऱ्याकडनं पाय धुवून घेणे। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ अभिषेक पानसे की रिपोर्ट।